हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी मेरी पहले भी बहुत वायरल हुई है, बहुत लोगों ने पसंद करी है, लेकिन वहाँ पे लोगों के ये मुझे क्वेश्चन आए हैं कि हमारी बर्फी में से बेसन की खुशबू आती है कच्चे की, लेकिन जब मैंने बनाई थी उसमें कोई खुशबू नहीं आ रही थी। तो आपको मैं एक और हलवाई वाले तरीके से बनाना बताऊंगी, जैसे कि हलवाई बनाते हैं उसमें कभी भी आपको बेसन कच्चे की खुशबू नहीं आएगी और बहुत ही लाजवाब बनेगी और परफेक्ट आपकी बर्फी जमेगी। तो यहाँ पे जो हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं, मैं यहाँ पे 250 ग्राम के हिसाब से बता रही हूँ। आप इसको फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आप 1 किलो की बनाना चाहते हो, आधा किलो की बनाना चाहते हो, 750 ग्राम की बनाना चाहते हो, वो आप उस हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई कर लें। 250 ग्राम हमने यहाँ पे बेसन लिया है। ये जो हमने बेसन लिया है वो मोटे वाला बेसन है। यहाँ पे बारीक वाला बेसन आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और मैंने यहाँ पे 70 ग्राम मैदा लिया है। यहाँ पे 70 ग्राम मेरे पास मैदा है, रिफाइंड फ्लावर है, इसे हमें ज़रूर डालना है इसके अंदर। इससे बर्फी हमारी जो बनती है बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और जो ये मैदा है आपने तोल के, मतलब नाप के लेना है। और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चीनी ली है। चीनी हमारी 300 ग्राम है। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। 200 ग्राम हमने देसी घी लिया है। अगर आप देसी घी पसंद नहीं करते हो तो आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, डालडा घी भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 7 से 8 छोटी इलायची पीस ली हैं और मैंने थोड़े से पिस्ता कट करिए हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी नट्स ले सकते हैं, मैं पिस्ता ऊपर से डालूँगी गार्निशिंग के लिए। तो चलिए सबसे पहले बेसन को भून लेते हैं हम। जी, बेसन भूनने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। यहाँ पे सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल लेंगे बेसन और मैदा, ये दोनों चीज़ें हमने इकट्ठी डालनी है। यहाँ पे इसे हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, इसे हमने घी के अंदर भूनना है। तो इसे कर लेते हैं पहले मिक्स और अब इसके अंदर डाल देते हैं घी। घी हम एक दो चम्मच के करीब बचा लेते हैं पहले, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। मतलब पूरे किलो में आप 200 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा डालें, 1200 ग्राम चीनी लगती है 1 किलो बेसन में। ये मेरी एक हलवाई की रेसिपी है, उन्होंने मुझे दी है तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम घी डाल देते हैं, बस सिर्फ मैंने 1 चम्मच के करीब बचाया है, बस सारा घी इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसे बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे भूनना है, हाई फ्लेम इस पे नहीं करेंगे। लीजिए, इतना घी हमारी बर्फी के लिए बिल्कुल सफिशियंट रहेगा। अब जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है तब तक हम इसे भून लेंगे। अब देखिए, जैसे जैसे बेसन हमारा भुनने लगा है तो ये थोड़ा पतला होने लगा है। आपने पहले घी ज़्यादा नहीं डालना है, जितना बताया गया है उतना ही डालें। भुनने के बाद बेसन घी छोड़ देगा तो ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अभी देखिए ये फ्लफी भी होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे भुनता जाएगा बेसन ये काफ़ी फूल जाता है। तो अभी ये भुना तो नहीं है लेकिन हल्का सा भुन गया है। इसमें से जब खुशबू आ जाएगी और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। और ये जब भुन जाता है तो घी को छोड़ देता है। अभी आप इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह चलाते हुए भून लें और आपने कभी भी हाई फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो ये इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब देखिए, बेसन हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा भुन गया है और खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। और इसने घी देखिए कितना छोड़ दिया है, काफ़ी लिक्विड फॉर्म में आ गया है। मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ तो देखिए ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर इसका आ चुका है। तो अब इसको गैस को कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम इसकी चाशनी रेडी करते हैं। जी, चाशनी रेडी करने के लिए जिस बर्तन में मैंने चीनी ली थी उसी बर्तन में हमने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जो पानी लगेगा वो 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक आप इसमें पानी डालोगे। यहाँ पे पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो आपकी बर्फ़ी जमेगी नहीं, वो हलवे की तरह बन जाएगी। अब मैं 300 ग्राम चीनी में 100 ग्राम के करीब पानी, 100 ml के करीब पानी डाल रही हूँ। मैंने वो आपको जो कप दिखाया है उसमें 120 ml आता है, तो 120 ml आप इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी आपने नाप के ही डालना है और इसे अब मिला लेंगे अच्छी तरह, मीडियम से लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए मिलाएंगे। और इस चाशनी में हमने कोई तार नहीं बनानी है, बिना तार के हमने इसको पिघलाना है चीनी को। और जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे।
यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए चीनी हमारी पिघल चुकी है और यहाँ पे तार का कोई काम नहीं है, तार नहीं बनाएंगे। अगर तार बनाई तो आपकी जो बर्फ़ी है वो ज़्यादा स्टिकी सी बन जाएगी। अब देखिए ये मैं गैस को कर रही हूँ बंद और जो बेसन हमारा ठंडा हो गया है उधर, तो गरम चाशनी हमारे ठंडे बेसन में जाएगी। चाशनी आपने ठंडी नहीं करनी है, लेकिन आपका बेसन है जो वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मैंने उसको पंखे के नीचे रख दिया था, वो ठंडा हो चुका है। ये बेसन हमारा ये देखिए काफ़ी ठंडा है। अब इसके अंदर हम चाशनी को डाल देते हैं। पहले मैं चाशनी डाल रही हूँ, थोड़ी सी रोक लेती हूँ, एक अच्छी के करीब मैंने रोकी है। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। जब हम चाशनी में बेसन को मिक्स करेंगे तो ये एकदम से फूलना शुरू हो जाएगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो इसकी मेज़रमेंट है वो आपने बिल्कुल सेम रखनी है। अगर मेज़रमेंट सेम रहेगी तो बर्फ़ी आपकी बिल्कुल लाजवाब बन के आएगी, बिल्कुल भी आपकी बर्फ़ी ख़राब नहीं हो सकती है, ये मेरी गारंटी है आपसे। ये देखिए इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो बची हुई चाशनी है वो भी मैं सारी इसी में डाल देती हूँ और एक मिनट तक इसे मिक्स कर लूँगी। एक मिनट आपने मिक्स करना है अच्छी तरह चलाते हुए, ताकि ये जो चाशनी है बेसन के अंदर सारे में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, येलो फूड कलर है मेरे पास, जिससे जो कलर है बर्फ़ी का वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। हलवाई लोग डालते हैं कलर थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा येलो लुक देने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी 5-6 ड्रॉप डालनी है छोटी छोटी सी। तो इसे हम कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह। लीजिए ये सारी चाशनी बेसन ने एब्जॉर्ब कर ली है। अब हम किसी डिब्बे में इसे जमाएंगे। एक चीज़ और है कि कई लोगों के पास ट्रे नहीं होती है बर्फ़ी जमाने के लिए, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे बर्फ़ी जो हमारे पास मिठाई वाला डिब्बा होता है पुराना, उससे में हम बहुत अच्छी बर्फ़ी जमा सकते हैं। मेरे पास एक मिठाई का डिब्बा है, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैंने इसके अंदर बटर पेपर लगा लिया है मिठाई के डिब्बे के अंदर, और इसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया है। जो एक चम्मच घी मैंने बचाया था वो इसीलिए बचाया था। अब इसके अंदर डाल देते हैं सारे बैटर को और इसे हम इक्वल पोर्शन में, मतलब इक्वल डिवाइड कर देंगे सारी साइड, और इसे टैप कर देंगे एक बार अच्छी तरह। मैं स्पैटुला से इसे दबा दूंगी अंदर की तरफ। और इसके ऊपर जो नट्स आपने डालने हैं, आपकी पसंद के नट्स होंगे, जो भी आप डालना चाहते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आप डाल रहे हो उसे आप डाल दें और इसे थोड़ा सा प्रेस कर दें स्पैटुला से, ताकि ये अंदर की तरफ चले जाएं इसके, और फिर जब काटेंगे हम तो ये निकलेंगे नहीं। मेरे हिसाब से ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, बहुत लाजवाब बनेगी। टेस्ट तो इसका बहुत ही यम्मी है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है देसी घी की पूरे घर में फैली हुई है। तो इसे रख देते हैं 2 घंटे के लिए इसी तरह रूम टेम्परेचर पे। लीजिए 2 घंटे हो गए हैं रूम टेम्परेचर पे, मैंने इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखा है। और इसे डीमोल्ड करते हैं, पहले हम इसे निकाल लेंगे, बटर पेपर के ऊपर ही इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये पहले हम छोटी साइड से कट कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। हम थोड़ा इसको पहले थोड़ा सा इंप्रेशन देते हैं, फिर दबा कर इसको कट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अब हम दूसरी साइड को भी कट कर लेते हैं। साइज़ है जो बर्फ़ी का वो आप अपने हिसाब से रख लें। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा निकल के आया है। एक बर्फ़ी मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी बाद में, पहले सारी बर्फ़ी की कटिंग कर लेते हैं। ढाई सौ ग्राम बेसन में से एक डिब्बा भर के पूरी बर्फ़ी बन जाती है, और ये काफ़ी टेस्टी भी होती है। और एक सबसे बड़ी बात है, ये प्योर होती है, ये घर की बनी है। आप देखिए कितनी सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार हुई है। आप एक बार इस बर्फ़ी की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, आपकी बर्फ़ी बहुत ही लाजवाब बनेगी। जैसे कि अब फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो आप इसे बनाएं, लोगों को खिलाएं और तारीफ़ें बटोरें। तो ये रेसिपी आपके लिए है, आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और बनाइएगा, कमेंट्स में हमें बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।